आगामी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज वीरेंद्र सिंह को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया और दिल्ली की कमान दी है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने वीरेंद्र सिंह पर एक बड़ी उम्मीद जताते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में वीरेंद्र सिंह दिल्ली प्रदेश के पद पर बहुत अच्छे से काम करेंगे और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली में NCP की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम अपनी पार्टी की तरफ से 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह उसका नेतृत्व करेंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र में हमारी पार्टी NDA के साथ है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। वहीं वीरेंद्र सिंह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार, कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव का तहे दिल से धन्यवाद किया और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति के साथ कहा कि हम 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली जो मौजूदा सरकार ने उसने दिल्ली वासियों के लिए झीले देने का काम किया है। दिल्ली में कई बड़ी बड़ी समस्याएं जिन पर हम काम करेंगे और दिल्ली की जनता पर हमको पूरा भरोसा है कि एक मौका वो हमें जरूर देंगे। और क्या कुछ कहा आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसा मिशन है जो दिल्ली में अभी शुरू हुआ है और वो मिशन को जब लेके हम लोग चल रहे हैं तो उस मिशन के तहत मुझे ऐसा लगता है जो मेरे शीर्ष नेताओं ने मुझे जो प्लानिंग दी है उस प्लानिंग के तहत 100% हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाली। हमारे बिना सरकार क्यों नहीं बनने वाली, क्योंकि पिछले 27 साल को अगर मैं उठा के देखूं, तो 15 साल जो शासन किया कांग्रेस ने और करीब 10 साल 12 साल आम आदमी पार्टी को हो गए। दिल्ली के लोगों ने अपने हिस्से का काम बड़ी ईमानदारी से किया, वोट देने का और सरकार बनाने का। लेकिन इन दोनों सरकारों ने जब जब सरकार बना के चलाने का मौका मिला तो इन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी पूरी तरह से नहीं निभाई। इसीलिए चंद दिनों पहले आपने देखा होगा दिल्ली शहरों झीलों का शहर, मतलब गलियों में भी झीलें हो गई थी। आप लोगों ने इतनी दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ इतना बुरा हाल कि यहाँ शिक्षा का मॉडल बोलने वाले लोग जेल के अंदर बैठ के आते हैं। यहाँ पर यहाँ का CM नौजवानों के लिए नए नए ठेके खोलने का प्लान करता है, उसके तहत वो लोग जेल में जाते हैं। यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर नए नए टेंडर निकालने के चक्कर में जेल में जाता है। तो ऐसी सरकारें दिल्ली के लोगों ने चुनी जिन्होंने वादे तो किए उनके भले के काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा इन लोगों को लूटा है। और दिल्ली की जनता अभी समझ गई है कि एक गलती बार बार नहीं करनी। देखिए, जो वीरेंद्र जी को जो जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी इनको अचानक नहीं दी गई। हमारी पार्टी के नेतृत्व में बहुत गंभीरता से एक लंबा समय देकर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के साथी हैं उनमें से सबसे बेहतर ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो पार्टी को एक दिशा दे सकता है, पार्टी के लिए काम कर सकता है। उस खोज के बाद भाई वीरेंद्र जी को ये मौका दिया गया है और इनको ये जिम्मेदारी दी है कि आने वाले दिनों में, जो कि फरवरी में यहाँ पर दिल्ली प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होना है, उसकी खासतौर से इनको जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पर हम लोगों को अपनी पार्टी को जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सारे 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने, और वहाँ ये जो चुनाव होगा बगैर किसी गठबंधन के होगा। हमारी पार्टी अपने खुद के चुनाव चिन्ह घड़ी पर चुनाव लड़ेगी और उसके बाद के जो नगर निगम के यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं उनमें भी हमारी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पे अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ये जिम्मेदारी भाई वीरेंद्र सिंह जी को दी गई है और उनसे कहा गया है कि पार्टी को आप नीचे तक बूथ लेवल तक आपको पार्टी के संगठन को खड़ा करना है, जिले की कमेटियाँ आपको बनाना है, अभी जिससे कि जो दिल्ली के आम नागरिक की जो ज़रूरतें हैं उनका एक सही मूल्यांकन हो सके, उनके बारे में एक विस्तृत जानकारी मिल सके, जिससे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए अपनी एक रणनीति बनाए।
एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।